क्या आप जानते हैं नदी के ऊपर पुल कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जानें कुछ रोचक तथ्य और इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अंत में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, जहाँ 70 साल की अधिकांश महिलाओं से आप संभल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करते हैं, वहीं अमेरिका की चाओ स्मिथ नामक एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन को 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट किया, वो भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में और लगातार 7 दिन में। और तो और, इन कॉन्टिनेंट्स में एंटार्क्टिका जैसा टफ वेदर कंडीशन वाला कॉन्टिनेंट भी शामिल था। ये महान उपलब्धि चाओ स्मिथ ने 2017 में हासिल की। एक बार तो फ्लाइट लेट होने के कारण मैराथन शुरू होने से जस्ट पहले ही वेन्यू पर पहुंची, फिर भी उन्होंने रेस दौड़ी और उसे पूरी भी की। फैक्ट नंबर 3, कुछ लोग वेट बढ़ने से इतने परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन हर रोज 1 या 2 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलो भारी हो जाता है, और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख केजी तक हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, जहाँ हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए भी फ्लाईओवर या ब्रिज का अभाव है, वहीं नीदरलैंड के दह्यू नामक शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलहरियाँ बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सके। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1.8 करोड़ रुपये लगे हैं। हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाली गिलहरियों को ये मैन मेड स्ट्रक्चर कुछ रास नहीं आया, और पिछले 8 साल में गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल ना के बराबर ही किया है। खैर, जो भी हो, वहां के सरकार की सेंसिटिविटी की तारीफ तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। फैक्ट नंबर 1 से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करें जिससे आप हमारी वीडियोस सबसे पहले देख पाएं। फैक्ट नंबर 1, नदी के ऊपर पुल का निर्माण कैसे किया जाता है? यह सवाल तो आपके मस्तिष्क में ज़रूर आया होगा, तो चलिए जानते हैं कि पुल का निर्माण कैसे किया जाता है। इंजीनियर्स कॉफर डैम की सहायता से बहती नदी में या समुद्र में पुल का निर्माण करते हैं। कॉफर डैम कुछ इस तरह से दिखते हैं। जैसे कि आप चित्रों में देख सकते हैं, इसमें पानी को रोकने के लिए पुल की नींव के चारों तरफ एक बैरियर बना दिया जाता है और सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है ताकि सारा काम सुचारू रूप से चल सके। बनने के बाद ये संरचना कुछ ऐसी दिखाई देती है। इस तकनीक को कॉफर डैम कहते हैं, जिसकी मदद से हम पानी के अंदर भी पुल का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको इसकी कुछ और इमेजेस देखनी है तो गूगल पर सर्च करें कॉफर डैम। कॉपीराइट के चलते हम आपको ज़्यादा इमेजेस नहीं बता सकते हैं।